नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड में बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार वेरियस इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर। यह चैप्टर में आपके यूनिट संख्या सेकंड में एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, जिसमें इस प्रकार प्रश्नों का प्रारूप होता है कि भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या फिर भारतीय बैंकिंग की अभिनव प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए, या बैंकिंग क्षेत्रों में या बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार का वर्णन कीजिए। जो कि ये प्रश्न यूनिट संख्या प्रथम में भी है, जो कि मैंने आपको पूर्व के ई कंटेंट के माध्यम से आपको वीडियो ऑडियो ई कंटेंट के माध्यम से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाया था। तो इसी क्रम में हम आज इस नवाचार या इस वीडियो के बारे में इस प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार या आधुनिक बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान स्वरूप में बैंक ने विभिन्न बदलाव या विभिन्न परिवर्तन भी हुए हैं। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नए नवाचार भी आते हैं। तो इसी क्रम में हम बात करें, विगत 37 वर्ष में भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में इतने व्यापक और कल्पनानित तथा दूरगामी परिवर्तन भी हुए हैं कि उन्हें हम नव परिवर्तन बैंकिंग की संज्ञा भी दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक नवीन प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं, जिसमें भारतीय बैंकिंग की क्षितिज 1950 से 60 के दशक में बहुत अधिक भिन्न नज़र आने लगा है। अर्थात कहने का मतलब है, इस संख्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से गरीब लोगों को करोड़ों खातों के साथ बैंकों में खाते खुले हैं, जो कि आम आदमी भी इस बैंकों से जुड़ा है। आज कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा कि किसी न किसी बैंक में जिसका खाता न हो। इस प्रकार बैंकिंग में परिवर्तन काफ़ी हुए हैं, काफ़ी बदलाव भी हुए हैं। तो इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे भारतीय बैंकिंग की नवीन प्रवृत्तियाँ, अभिनव प्रवृत्तियों की बिंदुवार, जिसमें प्रथम है सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति बैंकों की राष्ट्रीयकरण की रही है, जो 1948 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पश्चात 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें अप्रैल 1980 में 6 अन्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण में शामिल भी किया गया। तो इस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थिति में राष्ट्रीयकृत बैंक 19, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 56 और IDBI 1। तो इस पर प्राइवेट बैंकों की संख्या 52 है, लोकल एरिया में ये 4 कार्यरत है। तो इस प्रकार सेकंड पॉइंट की हम बात करें, अपूर्व शाखा विस्तार भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हुआ है, जिसमें 14 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों में कई शाखाओं का निर्माण हुआ है, कई शाखाएं खुली हैं, जिसमें 30 जून 2014 तक 110,123 नई शाखाएं खुली हैं, जो विश्व बैंकिंग इतिहास में अतुलनीय एवं कीर्तिमान भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अपूर्व शाखा विस्तार भी हुआ है। तीसरे बिंदु की हम बात करें, बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन,
काफ़ी बैंकों का एकीकरण हुआ है, काफ़ी बैंक मर्ज भी हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सहायक भूमिका का निर्वहन किया है, जिसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक में एकीकरण हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एकीकरण हुआ है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विलय हुआ है, जो 1 अप्रैल 2017 से 6 एसोसिएट भारतीय रिजर्व बैंक में विलीकरण भी हुआ है। इस प्रकार काफ़ी बैंकों का एकीकरण भी हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथे हम बैंकों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अधिक विस्तार, मोर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का बहुत अधिक विस्तार भी हुआ है। तो इस प्रकार बैंकों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी हुआ है। पांचवे पॉइंट की बात करें, जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की, अनएक्सपेक्टेड राइज इन डिपॉजिट्स। जमाओं में व्यापारी बैंकों में जमाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसमें भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। 1951 की बात करें तो 909 करोड़ रुपये, जून 1969 में 3,897 करोड़ रुपये, तो कुल जमाएं 2017 से तक 1,07,068.9 बिलियन जमाएं हुई। तो जमाओं में भी काफ़ी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अगले बिंदु की बात करें, साख सुविधाओं का विस्तार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विशेष रूप से 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली अग्रिम ऋण एवं अग्रिम राशियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसमें साख की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। तो साख सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। अगला पॉइंट है सातवां, प्राथमिक एवं अपेक्षित क्षेत्रों में अधिक ऋण सुविधाएं। प्राथमिक क्षेत्रों में अधिक ऋण सुविधाएं हुई हैं, क्योंकि व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात में विभिन्न बैंकों में ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जो कि मार्च 2014 के बाद राशि बढ़कर 16,02,907 करोड़ रुपये हुई है। तो इस प्रकार कुल बैंक साख का 39% भी रहा है। तो प्राथमिक ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं अपेक्षित क्षेत्रों को। निवेश जमा अनुपात में भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट रेशियोज में, जिसमें 70-71 में अनुपात 23.1 था, जो 92 में बढ़कर 39.4 हो गया। तो 4 दिसंबर 2013 तक 44.29 था, तो इसमें भी निवेश जमा अनुपात में भी हम देखें तो काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। नौवां पॉइंट है पूंजी व कोषों का निक्षेपों से अनुपात। पूंजी व डिपॉजिट्स अनुपात में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, इनका भी जनप्रति के प्रति जन विकास तेजी से बढ़ा है। वैधानिक तरलता अनुपात भी, भारत के प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का 1% निश्चित तरल कोष के रूप में रखना होता है, जो मार्च 1996 में अनुसूचित व्यापारी बैंकों का प्रभाव वैधानिक तरल अनुपात SLR में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जो कि 28% था, अब घटकर 25% रह गया है। वर्तमान में 8 फरवरी 2018 तक 19.5 रह गया है। जमा बीमा योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें 1960 में प्लाई सेंट्रल बैंक तथा लक्ष्मी बैंक भी फेल हो जाने से भारत में बैंकों के प्रति जमाओं में विश्वास डगमगाया गया था। तब बैंकों के प्रति गिरते इस जनविश्वास को रोकने के लिए 1 जनवरी 1962 को जमा बीमा योजना गारंटी की भी स्थापना की गई, जो कि 66 में 5,000, 10,000 और 20,000, अभी वर्तमान में काफ़ी वृद्धि भी इसमें हुई है। अगला है रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ नियंत्रण। जो भी व्यापारिक बैंक है उनका रिजर्व बैंक का काफ़ी बढ़ता हुआ नियंत्रण है, जो विभिन्न प्रकार के घोटालों से आसानी से निपटारा भी किया जा सकता है। अग्रणी बैंक की योजना में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें विभिन्न कार्यालय 458 जिलों में 51,126 कार्यालय खोले गए हैं, जो बैंकों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। नवीन आकर्षक योजनाएं भी ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं, जिसमें प्रथम है उपभोक्ता ऋण योजना, चलिष्णु बैंक जिसे चलते फिरते बैंक भी कहते हैं, जिसमें कहीं भी जाके कहीं भी इलाकों में अपन अपने बैंकिंग संबंधी लेन देन आसानी से कर सकते हैं। नाबालिग बचत योजना, जिसमें 10 वर्ष की आयु से लेकर के 100 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक जमा करवाया जा सकता है, जिसे 1 सप्ताह में 1,000 रुपये तक राशि निकलवा भी सकते हैं। उपहार योजना है, अभी यात्राबाद में भुगतान विनियोग सेवा योजना, साख पत्र, कृषि व सामान्य ऋण, ग्राहक सेवा और यंत्रीकृत एवं आधुनिकरण, पर्यटन बैंकिंग, अन्य सेवाएँ को शामिल किया गया है। अगले बात करें इसी
भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियों में हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि बैंकों में अपन रोज़मर्रा कार्यों को करते हैं तो अंग्रेजी भाषाओं में हमें लेन देन करने होते हैं, तो इसमें हिंदी भाषा को भी एक ऑप्शन दिया गया है जिसके माध्यम से आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। अगला है नवीन बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना। भारतीय बैंकिंग की नवीन प्रवृत्तियों में नवीन बैंकिंग 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना भी की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से SIDBI और NHB राष्ट्रीय आवास बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अध्ययन दल व समितियों की सिफारिशों का क्रियान्वयन हुआ है। सामाजिक बैंकिंग में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसमें छोटे दस्तकार, मजदूर, अपंग, कुम्हार, बेरोजगार, कैदी, शिक्षित बेरोजगार आदि को ऋण देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कॉमर्शियल बैंक कर रहे हैं। अगला है कृषि व ग्रामीण राहत योजना। कृषि व ग्रामीण ऋण राहत योजना में 15 मई 1990 में इसकी स्थापना हुई, जो कि 10,000 रुपये तक ऋण माफ़ भी किए गए हैं। तो कृषि ऋण ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 भी एक कारगर सिद्ध हुई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 3,843 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में योगदान 6,770 करोड़ रुपये रहा है। सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था है, क्योंकि बैंकों की प्रबंध व्यवस्था सुदृढ़ है, क्योंकि रिजर्व बैंक के द्वारा नियमन नियंत्रण इसका रखा जाता है। रोजगार कार्यक्रम है बैंक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड बैंक्स। बैंकों ने भी रोजगार प्रदान करने वाले गरीबी हटाने की दिशा में बैंकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार योजना स्वरोजगार योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें इसी योजना में 113 करोड़ रुपये की राशि भी निर्धारित की गई है। अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल बैंक। नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका हुई है, इसकी स्थापना की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 12 जुलाई 1982, जिसमें लघु और कुटीर उद्योगों को मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन ऋण की वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अगले हम बात करें नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, जिसमें जमा भी मशीनों के माध्यम से करवाया जा रहा है और आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं घर बैठे दी जा रही हैं। यंत्रीकृत चेक समाशोधन गृह, यंत्रीकृत चेकों में भी काफ़ी हुए, जिसमें 15 नए समाशोधन गृहों की स्थापना की गई है। 1 जुलाई 2013 में CTS 2010 के मापदंड के चेक जारी, जो 6 माह बिठाकर उसको 3 माह भी कर दिया गया है, जो कि 3 माह पुराने चेक का भुगतान माने भी नहीं होगा। दूरसंचार नेटवर्क भी एक महत्वपूर्ण, जो नेट व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की, जिसमें 251 पोर्टलों को बढ़ाया गया है, तो इससे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी रहा है। अगली हम बात करें ग्राहक सेवा। ग्राहकों को घर पर बैठे ही मूलभूत सेवाएँ प्रदान करना, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ शामिल हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन है। अगला है बिल संस्कृति का विकास। बिल संस्कृति, बिलों में उनका भुगतान कार्य गति तेजी प्रगति को ध्यान दिया गया, जिसमें बिल संस्कृति कहलाता है, क्योंकि बैंकों में बिलों के भुगतान का एक प्रगति को ध्यान दिया जाता है, ये बिल संस्कृति कहलाता है। वर्तमान में बैंकों का ऋण 4% था, जो कि ये भी काफ़ी लेन देन से संबंधित छुटकारों का भी समस्या होता है। बहुस्थानीय बैंक खाते, आप कहीं भी जाकर के कोई भी शाखा में आसानी से खाता खोल सकते हैं, ये भी एक सुविधा दी गई है, नवाचार में सम्मिलित है। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि एनी टाइम कहीं भी 24 घंटे में कहीं भी जाके आप पैसा निकलवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। तत्काल धन स्थानांतरण, विभिन्न ऐप खातों के माध्यम से आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान से खाते धन का स्थानांतरण कर सकते हैं, जो कि आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, भीम ऐप, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से आप आसानी से धन का स्थानांतरण ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला है घर पे दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं। घर पर बैठे जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, जो कि आपको घर बैठे ही फ़ोन पे ही आपको विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवा देगा बैंक, तो आपको बैंक के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के कार्य घर बैठे कर सकते हो, जिसमें शॉपिंग है और भी विभिन्न प्रकार के कार्य आसानी से घर बैठे कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, बिलों का भुगतान, तो ये इसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार हमने आज बहुत ही उपयोगी चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ
बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार के बारे में हमने आज अध्ययन किया, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसका प्रश्न अधिकतर आपके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछते ही हैं, तो आपके यूनिट संख्या प्रथम में भी ये प्रश्न है और यूनिट संख्या सेकंड में भी, तो इनको आप अच्छे से रीड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।